प्रदेश में जल्द 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दलों की नजर इन चुनावों पर टिकी है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन और सपा बसपा गठबंधन टूटने के बाद यह चुनाव और रोचक हो गया है। इन सब के बीच शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को थोड़ी राहत जरूर दी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया 13 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के 13 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शिवपाल यादव ने कहा, उपचुनावों में लड़ने के बजाय हम प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे और 2022 विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी ने सोच समझकर उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पार्टी हालांकि प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ के चुनावों में हिस्सा लेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया चुनावों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, जिससे समाजवादी पार्टी के वोट आधार में कमी आई है। पार्टी का संरचनात्मक संगठन मजबूत करने के लिए शिवपाल प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने 8 अगस्त को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अगले दिन सपा ने भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के चुनाव से बाहर होते ही इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिवपाल सिंह की पार्टी चुनाव लड़ती तो इसका असर सपा वोट बैंक पर जाता, ओबीसी खासकर यादव मत का विभाजन होता, जिसका फायदा भाजपा को जाता। लेकिन अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के चुनाव मैदान में न उतरने से कहीं न कहीं अखिलेश यादव को बड़ा फायदा होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 13 सीटें खाली हैं। इन पर अगले महीने विधानसभा उपचुनाव होने की संभावना है। भाजपा के अलावा सपा बसपा भी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कुछ समय पहले ही मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था।